नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। सरकार ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच एमओयू साइन, ऊर्जा क्षेत्र के विकास को मिलेगा बढ़ावा। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के दोहन और विकास में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। शिमला में बुधवार को प्रदेश सरकार और ऑयल इंडिया लिमिटेड के बीच हुए एमओयू में राज्य सरकार की ओर से निदेशक ऊर्जा हरिकेश मीणा और कंपनी की ओर से निदेशक संचालन पंकज कुमार गोस्वामी ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये समझौता ज्ञापन राज्य के ऊर्जा क्षेत्र के विकास को विशेष तौर पर बढ़ावा देगा। सीएम सुक्खू बोले, हेल्पलाइन 1100 में जुड़ेगी व्हाट्सएप चैट बॉट सुविधा। राज्य के लोगों के लिए मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100 यानी 1100 को अधिक सुलभ और सरल बनाने के लिए सरकार इसमें नई सुविधाएं जोड़कर मजबूत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को हेल्पलाइन के लिए एक व्हाट्सएप चैट बॉट विकसित करने के निर्देश दिए। इसमें नागरिकों को उनकी शिकायतों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करने, प्रतिक्रिया प्रदान करने, कॉल बैक का अनुरोध करने और नई शिकायतें दर्ज करने की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी। रोहतांग में बर्फबारी, कुल्लू मंडी में ओलावृष्टि से नुकसान, 4 दिन खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार को रोहतांग टनल सहित लाहौल की ऊंची चोटियों में ताजा बर्फबारी हुई। कुल्लू और मंडी में बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ। कांगड़ा, मंडी, भुंतर, चंबा में भी बुधवार को बादल बरसे। राजधानी शिमला में बादल छाए रहने के साथ हल्की धूप खिली। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। हिमाचल में 198 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 296 हुए स्वस्थ। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 198 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आए जबकि 296 ठीक हुए। प्रदेश के अस्पतालों में 19 मरीज भर्ती हैं। बीते सप्ताह इनकी संख्या 28 थी। स्वास्थ्य विभाग का दावा है कि बुधवार को प्रदेश में 4,207 लोगों के सैंपल लिए गए। जिला कांगड़ा में 62, मंडी में 28, हमीरपुर 18, चंबा 17, सिरमौर 16, सोलन 14, ऊना 13, कुल्लू 11, शिमला 8, बिलासपुर 7, लाहौल स्पीति 3 और कुल्लू में 1 मामला पॉजिटिव पाया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल पीएम ने मुझसे कहा था हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखना। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे देवभूमि हिमाचल की पवित्रता को बनाए रखें और नशे से दूर रहें। युवा प्रतिज्ञा ले कि ना नशा करेंगे और ना ही करने देंगे। राज्यपाल बुधवार को नौणी विश्वविद्यालय में छात्रों, प्राध्यापकों और कर्मचारियों को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल में चेरी सीजन की बंपर शुरुआत, रिकॉर्ड 400 रुपए प्रति किलो हुई बिक्री। हिमाचल प्रदेश की रसीली चेरी ने मंडियों में दस्तक दी है। शिमला में चेरी सीजन की बंपर शुरुआत हुई। बुधवार को ढली मंडी में ननखड़ी की चेरी प्रति किलो 400 रुपए के रिकॉर्ड रेट पर बिकी। इस साल प्रदेश में गुठलीदार फलों का सीजन करीब 2 हफ्ते देरी से शुरू हुआ। सीजन की शुरुआत में ही बागवानों को 400 रुपए प्रति किलो तक रेट मिल रही है जो पिछले साल के मुकाबले दुगने हैं। किसानों को झटका, खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें बढ़ाई, मात्रा घटाकर सब्सिडी घटाई। हिमाचल प्रदेश के लाखों किसानों को राज्य सरकार ने खेती बाड़ी महंगी कर जोर का झटका दिया। कृषि विभाग ने खरीफ फसलों के बीजों की कीमतें 15 रुपए तक बढ़ा दी। वहीं सब्सिडी पर मिलने वाले बीजों की मात्रा कम कर सब्सिडी भी कम कर दी। अब किसानों को सीमित मात्रा में ही सब्सिडी पर बीज मिलेंगे। मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसानों को कृषि बीज और अन्य उपकरण उपलब्ध करवाए जाते हैं। हमीरपुर शहर में 36 करोड़ की लागत से होगा बिजली व्यवस्था का कायाकल्प, जानिए क्या है सुक्खू सरकार का प्लान। हमीरपुर शहर में 36 करोड़ की लागत से विद्युत व्यवस्था के कायाकल्प का लाभ होगा। बिजली बोर्ड हमीरपुर ने इसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली। वर्ल्ड बैंक की फंडिंग से इस कार्य को किया जाएगा। बिजली बोर्ड की इस योजना से हमीरपुर शहर में 24 घंटे विद्युत की सप्लाई सुनिश्चित होगी और बिजली कट की समस्या से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। हिमाचल विधानसभा में 12 जून को होगा बाल सत्र। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि राज्य विधानसभा में 12 जून को बाल सत्र आयोजित किया जाएगा। इसमें कुल 68 बच्चे भाग लेंगे और वो मुख्यमंत्री, स्पीकर, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पक्ष व विपक्ष के विधायक की भूमिका निभाएंगे।
पांच महीने में भुंतर हवाई अड्डे से एनसीसी कैडेट भर सकेंगे उड़ान। सूबे के करीब 1100 एनसीसी कैडेट्स के लिए राहत भरी खबर है। बुधवार को भुंतर हवाई अड्डे में एनसीसी के माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट का ट्रायल हुआ। भुंतर हवाई अड्डे में एनसीसी के 2 सीटर माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट के लिए टैक्सी ट्रैक और हैंगर का निर्माण जारी है। ऐसे में प्रदेश भर के एनसीसी के कैडेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने का प्रशिक्षण भुंतर में ही ले सकेंगे। बीरबिलिंगाटी में अक्टूबर में होगा पैराग्लाइडिंग का क्रॉस कंट्री वर्ल्ड कप। पैराग्लाइडिंग के लिए विश्व प्रसिद्ध बीट बिलिंग घाटी में 26 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य पैराग्लाइडिंग क्रॉस कंट्री वर्ल्ड कप होगा। पैराग्लाइडिंग की एक्यूरेसी प्री वर्ल्ड कप की सफलता के बाद अब बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन ने खेल की सर्वोच्च संस्था पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप एसोसिएशन के समक्ष आगामी अक्टूबर नवंबर में घाटी में पैराग्लाइडिंग क्रॉस कंट्री के वर्ल्ड कप करवाने के लिए आवेदन कर दिया है। रेलवे लाइन से जुड़ेगा ऊना में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क। जिला ऊना के हरोली में बनने वाला बल्क ड्रग पार्क रेलवे लाइन से जुड़ेगा। प्रदेश सरकार ने यह मामला केंद्र सरकार से उठाया। हिमाचल और पंजाब की सीमा जेजो तक रेल लाइन है। यहां से 3 किलोमीटर लाइन को पार्क तक लाया जाना है। ये बड़ा लीक मामला, मुख्य आरोपी उमा की भांजी और दलाल की पत्नी 4 दिन की पुलिस रिमांड पर। पोस्ट कोड 939 JOA IT पेपर लीक मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी उमा आजाद की भांजी ममता उर्फ सोनिया और दलाल सोहन सिंह की धर्मपत्नी शैलजा को SIT ने बुधवार को हमीरपुर न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मंगलवार शाम को SIT ने इन दोनों महिला अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया था। IPL मैचेस की मेजबानी के लिए धर्मशाला तैयार, 70 से 80 निजी सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में 17 व 19 मई को प्रस्तावित इंडियन प्रीमियर लीग मैचेस की मेजबानी के लिए धर्मशाला तैयार है। खिलाड़ियों और शहर की सुरक्षा के लिए प्रदेश भर से 1200 पुलिस जवान बुलाए जाएंगे। इसके लिए प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशालय से स्वीकृति ली जाएगी। टेंट हाउस के स्टोर में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर राख, हुआ 10 लाख रुपए का नुकसान। जिले के हरोली पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुलेहर में एक टेंट हाउस के स्टोर में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारण टेंट हाउस का सामान व स्टोर की छत का काफी नुकसान हुआ। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने से करीब 10 लाख का नुकसान हुआ। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। ऐसा संदेह जरूर है कि गोदाम में आग बिजली के शॉर्ट सर्किट के कारण लग सकती है। सूचना मिलते ही हरोली पुलिस थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ दुलेहड़ गांव में पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।